फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में दो बाइकर्स स्टंट करते हुए नजर आते हैं। दोनों बाप बेटे होते हैं, बेटे का नाम जॉनी है। इसके बाद स्टंट करते वक्त जॉनी की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर गिर जाता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी के पिता जॉनी से कहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ। घर जाने के बाद रात को जब उसके पिता सो रहे होते हैं तो जॉनी को एक कागज़ नीचे गिरा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसके पिता को चेस्ट कैंसर है। ये देखकर जॉनी घबरा जाता है और फिर वो बाइक को देखने गैराज चला जाता है। तभी तक एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आकर जॉनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और एक दिन तुम मेरे लिए ज़रूर काम करोगे। इसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता को कैंसर है ना। जॉनी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। फिर वो आदमी कहता है कि वो तुम रहने दो, मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। फिर जॉनी कहता है क्या। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी रूह। फिर जॉनी ये सब कुछ सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने के लिए खोलता है तो उस पर लगी पिन उसके हाथ में चुभ जाती है और खून उस कागज़ पर गिर जाता है। फिर वो आदमी जॉनी से कॉन्टैक्ट पेपर से ले लेता है और कहता है कि ये बहुत होगा। इसके बाद जॉनी अगली सुबह सीधे बेड पर नजर आता है अपने घर पर। उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। फिर वो जाकर अपने पिता से मिलता है तो उसके पिता बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं और उसके पिता कहते हैं कि कई दिनों से मैं बीमार महसूस कर रहा था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो अपने स्टंट के लिए निकलने लग जाते हैं कि तभी वो जॉनी को साथ आने को कहते हैं, लेकिन जॉनी कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम रॉक्सी है, उसके पिता उसे दूर भेजने वाले हैं तो मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। फिर जॉनी कहता है कि मुझे ये स्टंट नहीं करना, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर उसके पिता उसे एक चाबी देते हैं और ये उस बाइक की चाबी होती है जिसे जॉनी बचपन से पसंद करता था, और कहता है कि तुम्हारे नए सफ़र के लिए गुड लक, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉनी वहीं जाता है जहाँ उसके पिता स्टंट कर रहे होते हैं रॉक्सी से मिलने, लेकिन स्टंट करते वक्त उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पिता मर जाते हैं। फिर जॉनी भी वहाँ जाकर रोने लगता है। फिर जॉनी को वहाँ वही आदमी नज़र आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। फिर जॉनी अपने को अकेला महसूस करने लगता है। बाइक चलाते वक्त उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो गिर जाता है, और यहाँ पर वो आदमी फिर से नज़र आता है। उसे देखकर जॉनी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो, तुमने ही पिता को मार दिया है, तुम कैसे जानते थे कि उनको कैंसर है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुमसे कैंसर ठीक करने को कहा था लेकिन हमारे डील में उसका एक्सीडेंट का कोई जिक्र नहीं था। फिर वो जॉनी के करीब आकर उसके चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है कि मैं फिर आऊँगा, अब तुम सब कुछ भूल जाओ और अपने रिश्ते नाते सब कुछ, तुम अब मेरे लिए काम करोगे। इन सब के बाद जॉनी को जोर का झटका लगता है और वो जोर से ज़मीन पर गिरता है और उसकी आँख आग की तरह लाल हो जाती है। इसके बाद रॉक्सी से मिलने जाता है लेकिन वो उससे मिले बगैर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ साल बाद जॉनी एक बहुत बड़ा स्टंट मैन बन जाता है। यहाँ जॉनी ने बहुत ख़तरनाक स्टंट करना था जिसमें बहुत सी कारों को पार करना था। इसके बाद जॉनी का एक्सीडेंट होता है और वो बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है लेकिन वो ठीक रहता है, उसको कोई चोट नहीं आई होती है। फिर इसके बाद जॉनी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर एक आदमी हमें बाहर नज़र आता है जिसके बार में आते ही सब कुछ जमने लगता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मार देता है लेकिन वहाँ तीन लोग ऐसे भी थे जो इंसान नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम यहाँ किसको ढूंढ रहे हो। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ एक सैन वेगाजा कॉन्टैक्ट लेने आया हूँ जो कि यहाँ किसी कब्रिस्तान में छुपाया हुआ है, तुम लोग उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि अगर वो कॉन्टैक्ट हमारे हाथ लग जाता है हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। उसका पिता एक बूढ़ा आदमी होता है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे सत्ता चाहिए, लेकिन उनका पिता कहता है कि अभी ये मेरा वक्त है, जल्द ही तुम्हारा समय आएगा। इसके बाद
ब्लैक हार्ट कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उसका पिता कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर वो ब्लैक हार्ट कहता है कि मैं उस घोस्ट राइडर और तुमको जमीन में दफन कर दूंगा। ये सुनकर उसका पिता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉनी को दिखाया जाता है जो कि अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाने को तैयार हो रहा था। इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि प्रेस वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो जॉनी कहता है कि मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं देने वाला। फिर वहाँ आकर एक लड़की कहती है कि मुझे भी इंटरव्यू नहीं दोगे क्या? वो लड़की और कोई नहीं, रॉक्सी थी। फिर जॉनी उसको इंटरव्यू देता है। इसके बाद जॉनी स्टंट करने के लिए रेडी होता है। तभी बहुत से हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाते हैं। अब जॉनी को इन सभी हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप करना था। फिर जॉनी अच्छे तरीके से स्टंट को पूरा कर देता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, तालियां बजाते हैं। इसके बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने के लिए उसका पीछा करता है। वहीं रॉक्सी उससे बहुत गुस्सा थी और जॉनी फिर उसे मना कर देता है और रात को मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रात जॉनी तैयार होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ लाल हो रहे हैं। जब वो पानी से हाथ धोता है तो देखता है उसके हाथों से धुआं आ रहा था और इसके बाद उसको अपना नाम सुनाई दे पड़ता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर जॉनी अपनी बाइक के पास जाता है और उसकी बाइक स्टार्ट हुई उसे नज़र आती है। इसके बाद वहीं बूढ़ा आदमी जॉनी के नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं रह सकता, ये वक्त अब आ चुका है कि मैं तुमसे अपना काम करवा सकूं। उस ब्लैक हार्ट को ढूंढो और उसे मार दो। जो जॉनी मना कर देता है ये सब करने के लिए। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद बूढ़ा आदमी ज़मीन पर छड़ी को टच करता है तो बाइक एक तेज स्पीड से अपने आप चलने लग जाती है और आसपास की सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं और उस बाइक पर आग लग जाती है। इसके बाद जॉनी के गैराज में जाकर जॉनी को फेंक देती है वो बाइक। इसके बाद जॉनी का पूरा शरीर आग से जलता हुआ नज़र आता है और उसका शरीर कंकाल बन जाता है। कंकाल अब वो नहीं रहा, अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने नियम तोड़े हैं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, अब तुम्हें नरक से भी जाना होगा। फिर ब्लैक हार्ट अपने तीन आदमियों से उस पर हमला करवाता है और उसे ट्रक से टक्कर मार देता है। वो ये सोचकर कि शायद वो मर चुका होगा अब वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था, लेकिन उस ट्रक का ड्राइवर वहाँ पर मौजूद था। फिर घोस्ट राइडर अपनी चैन से उसे जिंदा जलाकर राख बना देता है। फिर आगे जाकर वो एक औरत को देखता है कि उसे एक आदमी परेशान कर रहा है। फिर वो उस आदमी को भी मार देता है। घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो बुरे लोगों को सजा देता था जो भी उन्होंने पाप किए होंगे। इसके बाद घोस्ट राइडर जहाँ जहाँ से गुजरता है वो रोड आग से जल जाती है। फिर जॉनी सुबह होकर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। जहाँ वो बेहोश हुआ था वो एक कब्रिस्तान था। फिर वो अपने को एक कमरे में एक बिस्तर पर पाता है। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे एक आदमी नज़र आता है जो कि कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वो जॉनी से कहता है कि जो कल हुआ था वो आज फिर होगा। जॉनी कहता है कि तुम कौन हो? फिर वो कहता है कि मैं जो भी हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। फिर घोस्ट राइडर कहता है कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो तुम्हें उसे पूरा करना होगा। तुम दिन में जॉनी और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। फिर जॉनी पूछता है क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? फिर वो आदमी कहता है हाँ, आज से करीब 150 साल पहले सैन वेगास में रहने वाले आदमी
कोस्ट राइडर बना था। लेकिन उस गांव में एक बार एक आदमी आया और गांव के लोगों के बीच फूट डालकर चला गया और गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए। उन सब की आत्मा अभी भी उस गांव में मौजूद है। इसके बाद घोस्ट राइडर उस आदमी से पूछता है कि ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है इस चीज़ से। फिर वो आदमी कहता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, पृथ्वी में भेज दिया गया था और अब वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। इसके बाद वहाँ से जॉनी निकल पड़ता है और वापस आकर देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, पूरी रोड टूट चुकी है और किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी नज़र आती है जो किसी लड़की से का इंटरव्यू ले रही थी। फिर वो जॉनी से बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज़ थी और वहाँ से चले जाती है। इसके बाद घर जाकर जॉनी घोस्ट राइडर से जुड़ी ही किताबों को पढ़ता है और जानता है कि वो अपने आप को मिटा सकता है और वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है और घोस्ट राइडर को अपने पे हावी होने से रोक सकता है। फिर जॉनी थोड़ी थोड़ा ट्राई करता है और अपने हाथ से आग निकालने की कोशिश करता है और वो अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद जॉनी से बहुत सारी पुलिस पूछताछ करने के लिए उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। जैसे ही रात होती है तो वो जेल की जंजीरों को पिघलाकर वहाँ से आराम से निकल जाता है। अब वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए अपनी बाइक पर निकल जाता है। फिर ब्लैक हार्ट अपने आदमियों को उसको रोकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। इसके बाद ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ने के लिए घोस्ट राइडर खड़ी इमारत पर बाइक चलाता है। ये सब रॉक्सी सामने वाली इमारत से देख लेती है। इमारत के ऊपर पहुंचकर वो ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हवा से मिलकर बना हुआ था। इसके बाद घोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालकर उस पर आग लगा देता है। उसके बाद चारों ओर घुमाता है और शुरू कर देता है जिस वजह से वो ब्लैक हार्ट का आदमी मर जाता है। इसके बाद अगली सुबह जॉनी उसी आदमी से मिलता है जिसने उसे घोस्ट राइडर की जानकारी दी थी। इसके बाद जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। फिर वो आदमी कहता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मार कर ही ख़त्म होगा। फिर वो आदमी उसे एक कब्र के बारे में बताता है जिस पर स्ले लिखा हुआ होता है। ये भी एक घोस्ट राइडर था, पहले कौन से कॉन्टैक्ट मिला था उन्हें मारने का, लेकिन अब इसे लगा कि ये काम बहुत मुश्किल है तो इससे कॉन्टैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर यहाँ से भाग गया। ब्लैक हार्ट इसे कॉन्टैक्ट को पाना चाहता था क्योंकि वो इसे पाकर बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद जॉन रॉक्सी के पास जाता है और वो वहाँ ब्लैक हार्ट से मिलता है। ब्लैक हार्ट उसे दीवार पर जोर से धक्का देता है, तभी जॉनी घोस्ट राइडर का रूप ले लेता है। फिर घोस्ट राइडर उसको पकड़कर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों को तुमने मारा है उनका दर्द मेरी आंखों में देखो। फिर ब्लैक हार्ट कहता है कि तुम्हारी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। इसके बाद वो घोस्ट राइडर का गला पकड़कर उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पिता के लिए नहीं मेरे लिए काम करोगे और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त की जान बच जाए तो तुम सैन वेगास में आकर कॉन्टैक्ट मुझे दे देना। उसके बाद ब्लैक हार्ट वहाँ से निकलकर रॉक्सी को अपने साथ ले जाता है। फिर जॉनी उसी आदमी से के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी दोस्त की जान बचानी है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी आदमी के पास था। फिर जॉनी उससे मदद मांग कर कहता है कि प्लीज़ मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर जॉनी कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही वो घोस्ट राइडर हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकता है, लेकिन रुको, सैन वेगास यहाँ से 500 मील दूर है तो हमें अभी निकलना होगा। फिर जॉनी हैरान होकर कहता है कि हमें मतलब। इसके बाद वो आदमी सीटी मारता है तो वहाँ पर एक घोड़ा आ जाता है। फिर वो उस घोड़े पर बैठकर जॉनी से कहता है कि मेरा अभी आखिरी सफ़र बाकी है। फिर वो अचानक एक घोस्ट राइडर का रूप ले लेता है और वो भी एक घोस्ट राइडर था और ये वही आदमी था जिसने सैन वेगास का कॉन्टैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। इसके बाद ये दोनों अपनी सवारी पर सैन वेगास की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर पहुँच कर वो आदमी कहता है कि अब मैं
और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार कोस्ट राइटर बन सकता था और ये मौका मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जो आदमी ब्लैक आर्ट का बच गया था वो घोस्ट राइडर को पानी के अंदर मारने की कोशिश करता है। तभी जॉनी घोस्ट राइडर को में बदल कर उसे भी पानी के अंदर मार देता है। इसके बाद वो ब्लैक आर्ट के पास जाकर उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन ब्लैक आर्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में जो वो कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन वो ब्लैक हार्ट को वो कॉन्टैक्ट देता नहीं है। फिर घोस्ट राइडर बन जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद सुबह होने लग जाती है और सूरज निकल रहा होता है। ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को उठाकर उसे सूरज की ओर फेंकने की कोशिश करता है। तभी घोस्ट राइडर जॉनी बन जाता है और वहाँ पर बहुत सी आत्माएँ थी। इसके बाद ब्लैक हार्ट कॉन्टैक्ट को उठाकर उसे पढ़ने लग जाता है जोर जोर से कि यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आकर मेरे अंदर समा जाएं। इसके बाद सारी आत्माएं उसके अंदर आ जाती हैं और ब्लैक हार्ट की आंखें लाल हो जाती है और अब इसके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी। इसके बाद रॉक्सी घोस्ट राइडर के पास जाकर उसे कहती हैं कि चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, जो इसे चाहिए था वो हमने इसे दे दिया है। लेकिन जॉनी कहता है कि अभी मुझे अपने कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना है। फिर रॉक्सी कहती है कि आखिर तुम ही क्यों। फिर जॉनी कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जॉनी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद ब्लैक हार्ट उसे धक्का देता है। फिर उसके बाद में गन भी नीचे गिर जाती है। वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़कर मारने की कोशिश करता है। तभी रॉक्सी वहां आकर उसे शूट करने लग जाती है। तभी वो जॉनी को अचानक छोड़ देता है। फिर रॉक्सी शूट करती जाती है और ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है। फिर उसकी गर्दन दोबारा से जुड़ जाती है और अब रॉक्सी की बंदूक की गोलियाँ भी ख़त्म हो गई थी। इसके बाद जॉनी रॉक्सी से कहता है कि वो गन मुझे दे दो। फिर वो अपने हाथ को अंधेरे में ले जाकर फायर करता है तो देखता है कि उसका हाथ आग पर बन गया है। इसके बाद ब्लैक हार्ट के टुकड़े हो जाते हैं और वो सारी आत्माएं उसके अंदर से निकलने लग जाती हैं और फिर वो दोबारा से वापस आ जाता है। अब घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के पास जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी बुरी आत्माएं हैं वो उन लोगों का दर्द महसूस करें जिसको उन्होंने मारा है। फिर वो दर्द ना झेल पाने की वजह से मर जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है और उसे शाबाशी देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम चाहो तो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। फिर जॉनी कहता है अब इन सभी शक्तियों को तुम्हारे खिलाफ मैं इस्तेमाल करूँगा, कहीं भी अगर बुराई होगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपनी छड़ी ज़मीन पर मारकर वहाँ से हवा बनकर उड़ जाता है। इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो ऐसी वीडियोस देखते रहें हमारे चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।